अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, इट्स मी अमजान सारी। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। आज ईद का तीसरा दिन है, आप सबको तीसरे भी मुबारक हो। बाकी मैं इससे पहले वाले व्लॉग में कहा था कि जो जो मुझे इस टाइम में डीएम करेगा उसका मैं आज फ्री में शूट करूँगा। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसी का डीएम आएगा, फिर मैं इसको लेके जाऊँगा शूट पे। पता नहीं है, जो जो व्लॉग आखिरी तक देखा होगा सिर्फ इसको ही पता होगा कि मैं आज फ्री में शूट कर रहा हूँ। देखता हूँ कि कौन कौन आखिरी तक का व्लॉग देखा है। बाकी मैं शायद आज भी जाऊँ शूट पे, अभी पक्का नहीं है। वासे से बात होगा तो वासे बताएगा आज जाना है या नहीं जाना है। बाकी मैं आज के व्लॉग में दिखाऊंगा कि मेरा टोटल ईदी कितना जमा हुआ है। मुझे नहीं पता कि टोटल मेरा ईदी कितना है, क्योंकि सारा पैसा मामा के पास ही रखा हुआ है। जो जो ईदी दे के गया था मामा के हाथ में रह गया था, हम लोगों को अब तक ईदी नहीं मिला है। अभी सारा पैसा मैं मामा से लूँगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मुझे टोटल ईदी कितना जमा हुआ है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए। तैयार होने के बाद मिलता हूँ। अभी मैं तैयार वगैरह नहीं हुआ हूँ, मुझे खतवा सेटिंग करवाना था। अभी मैं तैयार हो जाता तो फिर नाई के पास जाता, कपड़े हम बाल वगैरह चिपक जाता, इसलिए मैं सोचा कि पहले खतवा सेटिंग करवा के आ जाऊँ, उसके बाद तैयार होऊंगा। मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, मैं जा रहा हूँ दाना के पास गाड़ी लेने के लिए। दाना से मैं गाड़ी लेता हूँ, डायरेक्ट सैलून जा के मिलता हूँ। Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated, you better rope. खत वगैरह सेटिंग करवा के मैं घर आ गया हूँ। बाकी भी इंस्टाग्राम में देखता हूँ किसी का डीएम आया या नहीं आया है। नहीं आया होगा तो मेरा टाइम बच जाएगा, किसी को लेके जाना नहीं होगा शूट पे। और किसी का आया हुआ होगा तो फिर मुझे लेके जाना होगा उसको शूट पे। देखता हूँ किसी का डीएम आया है नहीं आया। बाकी वासे से भी बात करना है कि वो कब जाएगा शूट पे। ठीक है, मैं डायरेक्ट तैयार हो के मिलता हूँ। मैं तैयार हो गया हूँ, बाकी वासे से बात हुआ था। वासे बोला है कि मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ, मैं उसके बैठ के वेट कर रहा हूँ। बाकी अभी तक का लोकेशन डन नहीं हुआ है। अब यहाँ से निकलेंगे तो देखते हैं जो अच्छा जगह समझ में आएगा वहाँ पर फिर जाकर पिक खिंचवाते हैं। अब तक डिसाइड नहीं हुआ जाना का है। ठीक है, जब मैं शूट पे निकल आऊँगा तो उस टाइम फिर मिलता हूँ, जब वासे लोग आ जाएगा। वासे आ चुका है, हो रहा था खड़ा हुआ है। अब मैं निकल रहा हूँ शूट में जाने के लिए। यहाँ से जा रहा हूँ डॉल्फिन मॉल, आज का लोकेशन बोला है कि वहीं पे चलने के लिए। बस यहाँ से निकलते हैं, डायरेक्ट जाके पहुँच के मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, डॉल्फिन मॉल जाना ना। 5:30 बजे नहीं आओगे घर तुम भी? 6 बजे घर आएंगे। ठीक है, सही है, चलो चलो। ठीक है, यहाँ से निकल ले, डायरेक्ट वहीं पे जाके मिलते हैं। चाहे डॉल्फिन मॉल की तरफ पिक खींच रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मैं जो पिक तो खिंचवा लिया, अभी मेरा वेट कर रहा हूँ, दोबारा दाम आएगा तो पिक खिंचवाएंगे। मार ऐसे वाला मार, ये वाला मार, ये वाला मार। ये जब पिक खिंचवा रहा हूँ उस टाइम में बाद में पिकनिक है जा मैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी यहाँ का लोकेशन डन हो गया। अब यहाँ से जा रहे हैं दूसरा लोकेशन पे, 3 नंबर पार्क। वहाँ पर भी 3-4 लड़का आया हुआ है। अभी 3-4 लड़का लोग वहाँ पर आया हुआ है 3 नंबर के पार्क। यहाँ से निकल ले 3 नंबर के पार्क, वहीं पर जाकर डायरेक्ट मिलता हूँ मैं। अभी हम लोग दूसरे लोकेशन पे आए थे, ये पार्क। लेकिन मसला ये है कि सूरज डूब चुका है, पीक आ रहा नहीं है सही। इसलिए हम जा रहे हैं यहाँ से घर। फायदा नहीं है पीक लेके, काला काला आएगा,
इसलिए मैं जा रहा हूँ घर, अब मेरा घर जाके मिलता हूँ। मैं घर पे खाना वगैरह खाने के बाद कपड़ा वगैरह चेंज किया था, शहरी भाई का कॉल आ गया, इनके साथ मैं इवेंट में जाता हूँ। वो बोले कि एक अर्जेंट में इवेंट आया है, इवेंट में चलो साथ में। अभी मैं आया हुआ इवेंट में, तो मैं बाहर आया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि अंदर गाना बज रहा है, मैं अंदर बना नहीं सकता ब्लॉग। भाई मैं आया हुआ इवेंट में, अब मुश्किल है यहाँ पर मैं ब्लॉग कर सकूँ, जितना हो सके मैं इतना ब्लॉग बनाऊँगा। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं चार्ज में लगाने के लिए यहाँ पर निकला था, बाद में मिलता हूँ। I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah. मैं इवेंट से घर आ गया हूँ, बाकी मैं आज इवेंट में नहीं जाता तो मैं आज सीवियो जाता। वासी लोग से बात हुई थी, वासी लोग ने कहा था कि 9 बजे घर से निकलेंगे सीवियो जाने के लिए, लेकिन अचानक से इवेंट आ गया। वो वासी लोग घर के पास आने ही वाला था, उसी में सही भाई का कॉल आ गया, वो बोले साथ पे चलो इवेंट, 2 कैमरा लगाना है। वो अकेले थे, साथ में कुछ था नहीं उनके, इसलिए वो मुझे कॉल किए, मुझे जाना पड़ा उनके साथ, इसलिए मैं सीवियो नहीं जा सका। बाकी अभी 1:30 बजे है, मैं दिल चाह रहा आइसक्रीम खाने का, मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम लेने के लिए, आइसक्रीम लेकर आके फिर मिलता हूँ। आइसक्रीम खाने का इतना दिल कर रहा था, बाहर जाके देखा सारा दुकान बंद हुआ है, दिमाग खराब हुआ। कभी कभी तो दिल करता है खुद, ना दिल कर रहा था आइसक्रीम का दुकान बंद है। बाकी मैं वहाँ 2 बजे जाऊँगा सोने के लिए। बाकी इस व्लॉग कहीं पर एंड करता हूँ, आपको व्लॉग कैसा लगा आप एक कमेंट में बताइएगा, बाकी इस व्लॉग को लाइक लास्ट में करिएगा। बाकी मैंने कहा था कि आप लोगों को इडली दिखाऊंगा, अभी तो मम्मी लोग सब सो रही हैं, मम्मी से भी इडली उठा के इडली ले सकता नहीं हूँ, इसीलिए मैं कल के व्लॉग पर दिखाऊँगा टोटल कितनी इडली जमा हुई है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ने आज भी इडली दिया है। अच्छा मैं आज दिन में नहीं दिखाया, शाम में भी चाचू लोग आए थे तो इडली दे गए। बाकी मैं सारा इडली कल दिखाऊंगा कि मेरा टोटल कितना इडली जमा हुआ है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को आप लोग लाइक लाजमी करिएगा, और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। ओके।